Hello guys, welcome back to my channel Effective IELTS Classes. I am Neha Desai. Today I am back with sample answer of a new cue card, that is describe an organization that you are interested to join. हमें एक ऐसी organization बतानी है जो कि हम इच्छुक हैं join करने के लिए, correct? तो ये वाला क्यू कार्ड भी मई टू अगस्त में पूछे जाने वाले क्यू कार्ड्स में से एक है. सो वीडियो को लास्ट तक देखें. तो स्टार्ट करते हैं सैंपल आंसर के साथ. तो सबसे पहले इस क्यू कार्ड में हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं. द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिससे कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं. वेयर इट इज लोकेटेड, वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे सिचुएटेड है. हाउ डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, आप इस कंपनी के बारे में कैसे जानते हैं. एंड वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, करेक्ट? तो इसका सैम्पल आंसर है ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी लाइन्स. वेल, there are plethora of national and international companies in my country such as ISRO, Nestle, Amazon, TCS and many more. There are plethora, plethora ka matlab hota hai a lot of. There are plethora of national and international companies in my country. मेरी कंट्री में बहुत सी कंपनीज हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल हैं, such as जैसे कि ISRO, नेस्ले, अमेजोन, TCS एंड मैनी मोर और बहुत सारी. हाउएवर, हालांकि टुडे, आज आई'd लाइक टू एम्फसाइज ऑन अ कॉरपोरेशन. मैं एक उस कॉरपोरेशन, उस कंपनी की बात करना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, जो मुझे दैट फैसिनेट्स मी द मोस्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. एंड ऑल्सो फॉर विच I have keen interest to be part of, and also, and वो जिसके लिए मेरा बहुत मन है उसका पार्ट होने का, उसका एक हिस्सा होने का. It is none other than Google LLC. ये कोई और नहीं लेकिन कौन सी कंपनी है, Google LLC. तो guys, ये थी हमारी इंट्रोडक्शन. आगे का क्यू कार्ड देखते हैं हम लोग. एक्चुअली इट्स अ US बेस्ड कंपनी दैट प्रोवाइड्स वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग एज वेल एज मायराज ऑफ अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस. एक्चुअली असल में ये एक US बेस्ड, यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक कंपनी है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक जैसे कि द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, सबसे जो फेमस सर्च इंजन है दैट इज़ गूगल, क्लाउड कंप्यूटिंग एज वेल एज और क्या, मायराज. मायराज का मतलब अगेन क्या होता है, अलॉट ऑफ, एंड मायराज ऑफ अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड और भी बहुत सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस. इट वॉज फाउंडेड इन 1998, ये 1998 में फाउंड हुई थी इन US, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स. Headquartered at California, उसके headquarters कहाँ पे है, California में. This company has existence in more than 40 countries and operates a total of 70 offices worldwide. इस company की जो existence है, कहाँ कहाँ पे presence है इस company की, that is in more than 40 countries. 40 से ज़्यादा countries में ये present है ये company and operates a total of 70 offices worldwide. And इसके total कितने offices हैं, 70 offices हैं पूरी दुनिया में. As far as my country is concerned, जहाँ तक मेरी country की बात है, there are 4 branches, उसकी 4 branches हैं, that are situated in Bangalore, Mumbai, Gurugram and Hyderabad. Correct? Guys, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो एक ये है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. मैंने यहाँ पे पैकेजेस पता क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो हार्डवेयर, अब मैं क्या कह रही हूँ, अ लॉट ऑफ अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यहाँ पे जो हार्डवेयर, मतलब यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए था कुछ, लेकिन हार्डवेयर का प्लूरल अगर हम यूज़ करें हार्डवेयर्स नहीं होता, तो यू कैन यूज़ पीसीज ऑफ हार्डवेयर एंड पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर्स. लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस, करेक्ट? एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे लाइक यूज़ किया, लाइक इज़ एन इनफॉर्मल वर्ड, आप इसको स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्पीकिंग में ये गलत नहीं होगा, लेकिन आप आयल्स के राइटिंग में लाइक वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जो आयल्स का राइटिंग टास्क होता है वो फॉर्मल होता है एंड आप उस वहाँ पर लाइक नहीं यूज़ कर सकते. आप सच एज यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरी एक वीडियो है वर्ड्स टू अवॉइड इन आयल्स राइटिंग, तो आप वो चेक कर सकते हैं. मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं.
आई केम टू नो अबाउट इट ड्यूरिंग माई हाई स्कूल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेम्ड अपूर्वा. मुझे इसके बारे में कब पता चला था, मेरे हाई स्कूल में पता चला था, फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स. अब यहाँ पे एस आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक से पता चला था, जिसका क्या नाम था, अपूर्वा. एक्चुअली आई गोट अ प्रोजेक्ट टू सबमिट, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था सबमिट करने को, फॉर विच आई हैड वेरी लिटिल नॉलेज, जिसके लिए मुझे जिसकी मुझे बहुत कम नॉलेज थी. एंड आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट इट्स कम्प्लीशन एंड शेयर्ड माई कनंड्रम विद हर. मैं क्या था, बहुत ज़्यादा चिंतित था उसको कंप्लीट करने के लिए, उसकी कंप्लीशन के लिए. एंड शेयर्ड मतलब मैंने शेयर करा है ना, मैंने अपने दुख, जो मेरी कनंड्रम थी, जो मेरी दुविधा थी, वो मैंने किसके साथ शेयर करी, अपूर्वा के साथ शेयर करी. मैंने उसको सब कुछ बताया एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड दैट. एंड मैं खुश हूँ कि मैंने ये किया, क्योंकि शी सजेस्टेड मी गूगल सर्च इंजन, उसने मुझे गूगल का सर्च इंजन सजेस्ट किया था, उसने मुझे एडवाइस किया था, विच इज़ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, जो कि उसका एक प्रोडक्ट है. एंड आई सॉल्व्ड माई पर्पस एंड मेरा काम हो गया था. देन उसके बाद आफ्टर सबमिशन ऑफ माई असाइनमेंट, मेरी असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आई रिसर्च्ड अबाउट गूगल ऑन इट्स ओन सर्च इंजन. मैंने गूगल के बारे में रिसर्च करी उसके अपने सर्च इंजन पे. ग्रेजुअली जैसे टाइम बीतता गया, नॉट ओनली आई डेवलप्ड ग्रेट इंटरेस्ट, मैंने सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ऑल्सो आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट इट्स प्रोडक्ट. मेरा सिर्फ और सिर्फ उस इनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैंने उसकी बहुत सारी नॉलेज भी इकट्ठी करी. आई एम स्ट्राइविंग हार्ड टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ. स्ट्राइविंग हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना. एज सून एज आई विल कम्प्लीट माई मास्टर्स फ्रॉम कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं आप वो कंट्री यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं. एज सून एज जैसे ही मैं अपनी मास्टर्स कम्प्लीट करूँगा यहाँ से, आई विल रजिस्टर माई सेल्फ फॉर जॉब इन दिस कंपनी. मैं उस कंपनी में रजिस्टर करूँगा अपने आप को जॉब के लिए. मोर ओवर और बताऊँ तो अलॉन्ग विद हैंडसम सैलरी पैकेजेस, हैंडसम सैलरी के साथ साथ इट गिव्स वेरियस अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज़. ये अपने एम्प्लॉयज़ को और भी बहुत सारे फ़ायदे देती है एंड बहुत सारे अलाउंसेस देती है. सो दिस वॉज द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वॉन्ट टू ज्वाइन. सो दिस ये यहाँ पे वॉज नहीं, यहाँ पे इज आएगा. सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऐसी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ. गाइज आई होप आपको क्यू कार्ड समझ में आ गया होगा एंड लर्न भी हो गया होगा. एंड आप मेरे बाकी के क्यू कार्ड्स भी चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ऑल्सो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय.